हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आरओ मोटर की वाइंडिंग बदलने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे कि आरओ की मोटर की वाइंडिंग कैसे करते हैं और हम इस मोटर को फेंकने के बजाय इसकी वाइंडिंग करके हम दूसरे काम में इसको यूज़ ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो बैटरी के जो वोल्टेज हैं, जिस तरह से हम यहाँ पर मीटर में देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर हमने बैटरी ली है, उसका वोल्टेज अभी 15 वोल्टेज है। और अब हम क्या करेंगे कि इस मोटर को 15 वोल्टेज से चलाकर देखेंगे। देखो, यहाँ पर हमें दिख रहा होगा कि हमारी जो मोटर है उसका आरपीएम काफ़ी कम है। तो हम इसको इसके आरपीएम को मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आरपीएम आ रहा है 625 से 626 के आसपास इसका आरपीएम आ रहा है। ये आरपीएम बहुत ही कम है। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारे मोटर को खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मोटर डिसअसेंबल हो चुकी है। अब हम इसकी वाइंडिंग को रिमूव कर लेते हैं। जो इसकी पुरानी वाइंडिंग है उसको हम रिमूव कर लेते हैं।
वाइंडिंग कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी है। अब हम जो हमने वाइंडिंग को रिमूव किया है उसका वेट कर लेते हैं कि उसका वेट कितना है। तो इसका वेट अप्रोक्सीमेट 91 ग्राम्स है। ओके तो फ्रेंड्स, ये है हमारा रोटर और हम इस रोटर में जो इंसुलेटिंग पेपर है उसको डाल लेते हैं ताकि हमारी जो वाइंडिंग है वो रोटर के बॉडी से टच ना हो, वरना हमारी मोटर जल सकती है। गेज वायर लिया है, 22 SWG वायर हमने यहाँ पर लिया है। पहले जिसका वायर का गेज था वो 30 SWG था, 30 गेज का वायर था। हेलो दोस्तों, तो हम वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे आपको वाइंडिंग करनी है। तो सिंपल है, तो यहाँ पर जैसे हमारे कम्यूटेटर, ये जो हमारा कम्यूटेटर है इसका ये कनेक्शन है। कम्यूटेटर का जो कनेक्शन है, हम कोई भी कम्यूटेटर का कोई भी कनेक्शन ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये ले लिया है, तो हमें यहाँ से, इसके जस्ट यहाँ से हमें हमारी वाइंडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे वायर का जो एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट सॉरी, उस स्टार्टिंग पॉइंट को हमें यहाँ पर लपेटना है और हमें जाना है यहाँ पर जस्ट इस कम्यूटेटर के जस्ट सामने वाले को सेलेक्ट करना है और इसके दोनों तरफ हमें दो दो पोल्स हमें छोड़ने हैं। जैसे इसके दोनों तरफ हम पोल छोड़ दिए, ओके, हमें वाइंडिंग स्टार्ट करनी है। तो हमें वाइंडिंग इन कहाँ लपेटनी है, हमें वाइंडिंग यहाँ से लपेटनी है। ओके, तो इस वाले पोल के दोनों ओर हमने एक और दो, और इसके दोनों तरफ एक और दो। तो हमारी जो वाइंडिंग वन है उस पर हमें क्लॉकवाइज वाइंडिंग करनी है। ओके, तो हम क्लॉकवाइज वाइंडिंग करेंगे, ऐसे लपेटेंगे और हमें कंटिन्यू ऐसे 20 टर्न्स लेने हैं। जैसे हमारा 20 टर्न्स कंप्लीट हो जाए, 20 टर्न्स कंप्लीट होने के बाद हमें जो हमारा वाइंडिंग का जो एंड है वो कहाँ पर करना है, हमें वन पर करना है। वन पर लपेटते हुए हमें वापस कहाँ आना है, जस्ट इस टू के जस्ट सामने वाले को लेना है। तो टू के जस्ट सामने वाला कहाँ कौन सा है, ये वाला है, ये वाला पोल है। ओके, इसके दोनों तरफ हमें क्या करना है, दो पोल्स छोड़ने हैं, दो पोल्स हमें छोड़ने हैं। ठीक है, तो दो पोल्स हमें छोड़े और उस पर हमें क्लॉकवाइज वाइंडिंग करनी है। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, मैंने निशान बना रखा है, तो जो वाइंडिंग टू है वो हमें कहाँ से लेनी है। ओके, हमें वाइंडिंग टू को यहाँ से लेना है और कंटिन्यूसली हमें ऐसे ही वाइंडिंग करते जाना है। और जैसे ये कंप्लीट हो जाए उसका हमें एंड कहाँ लपेटना है, हमें इस वाले कम्यूटेटर के इस वाले कनेक्शन पर लपेटना है और वापस से कहाँ आना है, वापस हमें यहाँ आना है। और ये जो थर्ड नंबर है, हमारा जो थर्ड वाला कनेक्शन बनेगा उसके जस्ट सामने जाना है, उसके दोनों तरफ हमें दो पोल छोड़ने हैं। ओके, हमने दो पोल छोड़े और वाइंडिंग हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें वाइंडिंग करते रहना है। ओके, तो इसी प्रकार हमें वाइंडिंग हमारी कंप्लीट कर लेनी है। और जैसे ही हमारी वाइंडिंग ख़त्म हो जाए, तो वाइंडिंग जैसे ही एंड हो उसके बाद हमें वायर को थोड़ा छील लेना है और छीलने के बाद उस वायर को हमें कम्यूटेटर के कनेक्शन पर कनेक्ट करना है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि वायर हमें छीलना है, क्योंकि वायर पर एक इंसुलेटिंग मटेरियल चढ़ा हुआ होता है जो हमारे कनेक्शन को कंप्लीट नहीं होने देगा। तो वो कनेक्शन कंप्लीट होने के लिए हमें वायर को अच्छी तरह से छील के फिर बाद में ही हमें कम्यूटेटर के सामने वाले कनेक्टर पर हमें उसको कनेक्ट करना है।
ओके तो फ्रेंड्स हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। वाइंडिंग इतनी मैं वाइंडिंग करने में इतना परफेक्ट तो नहीं हूँ, थोड़ा वायर ऊपर नीचे हो रहा है, इसे हम थोड़ा सा दबा कर ठीक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम मोटर को वापस असेंबल कर लेते हैं। तो हमें केयरफुली मोटर को असेंबल कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स तो अब हम मोटर को बैटरी से लगा कर देखते हैं कि अब हमारी मोटर का आरपीएम कितना बढ़ा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारी मोटर का आरपीएम पहले 625 था वो अभी 1700 से ऊपर हो चुका है। यहाँ पर मोटर थोड़ा ज़्यादा आवाज़ कर रही है, वो एक्चुअली जो वाइंडिंग है वो यूनिफॉर्म नहीं हुई है, तो आप वाइंडिंग जब भी करें तो उसे यूनिफॉर्मली करें। ओके तो फ्रेंड्स अब हमने देख लिया है कि हमारी मोटर का आरपीएम कितना है, तो चलिए हम इसका करंट कंजप्शन भी चेक कर लेते हैं कि हमारी मोटर कितना करंट पी रही है। ओके तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हमारे एम्पियर में सेलेक्ट कर लें, जहाँ पर इसकी मैक्सिमम रेंज हो। मिली एम्प्स में सेलेक्ट नहीं करना है वरना आपका मल्टीमीटर है वो डैमेज हो सकता है। ओके तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि तो हमारी मोटर का आरपीएम भी बढ़ चुका है और जो इसके करंट कंजप्शन है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो यहाँ पर जो करंट जो हमारी मोटर ले रही है वो 3 एम्पियर के आसपास ले रही है, वो इसलिए क्योंकि हमने जिसके वायर गेज को बदला है। तो पहले इसका जो वायर का गेज था वो 30 गेज था, 30 SWG। अब जो इसके वायर का गेज है वो है 22 गेज, यानी कि 22 SWG।